गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल प्रैक्टिस सुपर टेस्ट सीरीज 22 फॉर द पेपर 1। आज हम सुपर टेस्ट सीरीज 22 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, और ये सभी क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। तो आज के सुपर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने से पहले, प्रीवियस में लेक्चर्स में हमने थ्योरी सीरीज के 1 to 15 लेक्चर्स को कवर किया है, और साथ में सुपर टेस्ट सीरीज 1 से 21 हमने डिस्कस की है, और फुल सुपर टेस्ट सीरीज की भी 2 सीरीज कवर हो गई हैं। तो जिस भी कैंडिडेट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप सभी उन वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आप सभी टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए फॉर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एग्जाम। और अगर किसी भी एस्पिरेंट को बुक और स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारी ईमेल आईडी पर हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं रिलेटेड विद दिस एग्जाम स्टडी मटेरियल। तो आज की सुपर टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, और सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद आप सभी हमें ये भी बताएंगे कि आपने बुक के थ्रू कितने चैप्टर्स को फिनिश कर लिया है, और आप सबकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है एज पर द स्टडी मटेरियल जो हमने आपको प्रोवाइड किया। जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारी बुक ली है वो हमें इन्फॉर्म करेंगे कि उन्होंने कितने चैप्टर्स और कितनी यूनिट कवर कर ली है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर टेस्ट सीरीज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल एम्बलम दैट विल क्राउन इंडियाज न्यू पार्लियामेंट। भारत की नई संसद का ताज पहनने वाले राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। आपके ऑप्शंस है ए, द एम्बलम इज कास्ट ऑन टॉप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। बी, 6.5 मीटर हाई नेशनल एम्बलम इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड वेट इज 9500 kg। सी ऑप्शन इज, बिमल पटेल ऑफ HCP डिजाइन अहमदाबाद इज द आर्किटेक्ट इन चार्ज ऑफ द बिल्डिंग विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप। डी ऑप्शन है, द न्यू कॉम्प्लेक्स हैज 888 सीट्स इन द लोकसभा चैम्बर एंड 384 सीट्स इन द राज्यसभा चैम्बर। ई ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर मेन कमेंट सेक्शन में दीजिए विद द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन। आंसर इज सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है, देखते हैं क्या गलत है। बिमल पटेल HCP डिजाइन ऑफ अहमदाबाद, ये आर्किटेक्ट इंचार्ज है इस बिल्डिंग के। तो यहाँ पर जो शेप है ये रिक्टेंगुलर नहीं है, ये ट्रायंगुलर शेप है। तो रिक्टेंगुलर की जगह क्या आ जाएगा, जो आकार है वो रिक्टेंगुलर ना होकर ट्रायंगुलर है। अदर जो फैक्ट्स है वो इम्पोर्टेंट है, इन सभी फैक्ट्स को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 इज, WHO डेजिग्नेटेड वेरिएंट B11529 अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न नेम्ड एज ओमिक्रॉन। 2 इज, ओमिक्रॉन इज मोर ट्रांसमिसिबल एज कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स इंक्लूडिंग डेल्टा। 3 इज, इट इज अ वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 फर्स्ट रिपोर्टेड टू द WHO बाय द नेटवर्क फॉर जीनोमिक सर्विलेंस इन साउथ अफ्रीका। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। आपके ऑप्शन है ए, 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली एंड D 1, 2 and 3, E none of the above, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए रिगार्डिंग ओमिक्रॉन, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आंसर इज सी ऑप्शन, 1 and 3 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट में क्या गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो WHO है उन्होंने डेजिग्नेट किया था वेरिएंट B11529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया था 26 नवंबर 2021 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। किसकी एडवाइस पर? WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस इवोल्यूशन, जिसको टैग वी भी बोलते हैं। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ओमिक्रॉन जो है वो ज्यादा ट्रांसमिसिबल है एज कम्पेयर टू अदर वेरियंट्स, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी, और फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, एस्परजिलोसिस इज एन इन्फेक्शन एलर्जिक रिएक्शन और फंगल ग्रोथ कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्परजिलोसिस एक संक्रमण एलर्जी की प्रतिक्रिया या फंगल विकास के क्या होने का कारण है? ए, वायरस से, बी, बैक्टीरिया, सी, फंगस, डी, प्रोटोजोआ एंड ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव।
सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन, फंगस। सो एस्पर जिलोसिस एक इन्फेक्शन है, ये फंगल ग्रोथ से कॉज होता है, और ये कौन सी फंगस से कॉज होता है ये भी पूछ सकते हैं एस्पर जिलोसिस। तो जब ब्लैक व्हाइट और येलो केसेस आए थे न्यू फंगल इन्फेक्शन के, तो उसके बेसिस पर इसको एस्पर जिलोसिस बोला गया था और इसको रिपोर्ट किया गया था कंट्री के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नंबर फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फेविपिराविर। ऑप्शंस आर ए फेविपिराविर इज एन एंटीवायरल कोविड 19 ड्रग, बी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल अंडर द ब्रांड नेम फेवी फ्लू लॉन्च्ड एन एंटीवायरल ड्रग कॉल्ड एज फेविपिराविर, सी इट इज द इंडियाज फर्स्ट कोविड 19 ड्रग लॉन्च प्राइज एट ₹103 पर टैबलेट, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, आफ्टर दैट गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सारे कथन सही हैं, ये सारी स्टेटमेंट आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। जो फेविपिराविर है ये एक एंटीवायरल कोविड 19 दवा है, और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने फेविफ्लू ब्रांड नाम के तहत इस एंटीवायरल दवा को लॉन्च किया था, और ये भारत के अंदर पहली कोविड 19 दवा है जिसकी कीमत सिर्फ ₹103 प्रति टैबलेट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, इन अ स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड 19 पेशेंट्स बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। एक अध्ययन में लंबे समय तक प्रतिरक्षा के लिए कोविड 19 रोगियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शंस आर ए पी सेल, बी डी सेल, सी टी सेल एंड डी एंडोथेलियल सेल्स, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज सी ऑप्शन, टी सेल। तो देख लेते हैं टी सेल क्या होते हैं। टी सेल जो है इनको इम्यून वॉरियर्स भी बोलते हैं, तो इम्यून वॉरियर्स के नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टी सेल क्या होते हैं, ये कुछ वायरसेस के साथ इन्फेक्शन के लिए फाइट करते हैं। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, सार्स कोवी टू वायरस जो कोविड 19 कॉज करता है उसके लिए भी ये बैटल करते हैं, फाइट करते हैं। तो इसके लिए जो इसका केस है ये अनक्लियर है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। नंबर सिक्स्थ इज, जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी वो सेटअप टू टेक स्टेप्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर समिति की स्थापना किस लिए की गई थी? ऑप्शंस हैं ए टू लुक इनटू द वॉयलेशन ऑफ एनवायरमेंट रूल, बी टू प्रिवेंट द स्टबल बर्निंग, सी टू ड्राफ्ट द न्यू वाटर पॉलिसी, या फिर डी रेगुलेट द डिजिटल लैंडिंग, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन। तो ये किस लिए आई थी कमेटी, पराली जलाने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द स्टबल बर्निंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी को अक्टूबर 2020 में अपॉइंट किया था प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए स्टबल बर्निंग को इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ा था इन सारी स्टेट्स के अंदर, और साथ में नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर जो एरियाज के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पर भी पोल्यूशन बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट हैड अनाउंस द पीएम कुसुम स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम। भारत सरकार ने अपने बजट में पीएम कुसुम योजना की घोषणा की थी, इस योजना के द्वारा निम्नलिखित में से किस पर ध्यान रखा गया था? ऑप्शंस हैं ए रिमूवल ऑफ फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन द डीजल एंड कैरोसिन एंड लिंकिंग द पंप सेट टू सोलर एनर्जी, बी टू एनकरेज द बैलेंस यूज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एंड अदर इनोवेटिव फर्टिलाइजर, सी टू बिल्ड अ सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पैरिशेबल इंक्लूसिव ऑफ मिल्क मीट एंड फिश, डी डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ मैराइन फिशरी रिसोर्सेज, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन। तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो स्कीम है पीएम कुसुम योजना, इसके द्वारा डीजल और जो मिट्टी का तेल है उस पर किसानों की निर्भरता को हटाने के लिए पंप सेटों की और सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम किया गया था। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो स्कीम्स और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, जो हमारे सुपर टेस्ट सीरीज का पैटर्न रहता है वही सिलेबस का पैटर्न है इस एग्जाम के लिए। और ये सुपर टेस्ट सीरीज पेपर वन के लिए आपको अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट इट। यह यौगिक परंपरागत रूप से भवनों की सफेदी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस आर वन इट इज ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग द क्विक लाइम विद द वॉटर, टू इट इज प्रोड्यूस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद द वॉटर, थ्री इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, फोर्थ इट इज कॉल्ड एज द स्लेक लाइम एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaOH2। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। आपके ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 4, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 4। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वन इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, टू इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट एंड द पीएच ऑफ इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज मोर देन 7, थ्री इज इट इज यूज फॉर रेजिंग ऑफ केक्स वाइल बेकिंग, फोर्थ इट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर। सो आपको इसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। आपके ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 4। ये ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए उसके बाद आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन 1, 2 and 4। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, एज वॉशिंग सोडा को रेजिंग ऑफ केक्स और बेकिंग में यूज नहीं करते हैं, तो अदर स्टेटमेंट करेक्ट है एज इट इज, इसको याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 इज द डेप्थ ऑफ अ सी कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग सोनार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट यूजेस द अल्ट्रासोनिक वेव फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ अ सी। सोनार का उपयोग करके समुद्र की गहराई का निर्धारण किया जा सकता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, और इसके बारे में कौन सा कथन है उस पर विचार कीजिए। वन इज द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन सी वॉटर इज सेम एज दैट साउंड इन द एयर, टू टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी टू रीच द डिटेक्टर विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ, थर्ड इज इट यूजेज द अल्ट्रासोनिक वेव फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 4, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं सी वॉटर में, उनकी स्पीड सेम नहीं होती साउंड ऑफ एयर से, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों नहीं होती है, बिकॉज जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं सी वॉटर के अंदर वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है देन द साउंड इन द एयर से। नंबर 11 इज मैच द डिजीजेज लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर सिम्टम इन कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वन इज टाइफाइड फीवर, परसिस्टेंट कफ, लो ग्रेड फीवर एंड लॉस ऑफ वेट, टू इज कोलरा, हाई फीवर, स्टमक पेन, स्किन रैश, थ्री ट्यूबरक्लोसिस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, रेड स्पॉट और स्क्रैप्स, फोर्थ इज चिकन पॉक्स, राइस, वाटर स्टूल्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो आपको कॉलम ए से कॉलम टू को मैच करना है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ट्राई टू गिव योर आंसर, सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज जो टाइफाइड फीवर है उसकी वजह से हाई फीवर होता है, स्टमक पेन और स्किन रैशेज हो सकते हैं, कोलरा की वजह से क्या क्या सिम्टम होते हैं कोलरा के, राइज वाटर स्टूल, नोजिया एंड वॉमिटिंग,
एंड ट्यूबरक्लोसिस के क्या सिम्टम है? परसिस्टेंट कफ, लो ग्रेड फीवर होता है, कम फीवर होता है और लॉस ऑफ वेट भी होता है, वजन कम होने लगता है। चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स से तेज बुखार आता है, पेट में दर्द, त्वचा पर लाल रंग के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, स्किन रैश हो जाते हैं। नंबर 12 इज श्री हरिकोटा वेयर सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड, सिचुएटेड नेक्स्ट टू विच लेक? श्री हरिकोटा जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, यह किस झील के बगल में स्थित है? ए पुलिकट, बी चिलिका, सी कोलार, डी वेम्बनन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इज ए ऑप्शन पुलिकट लेक। श्री हरिकोटा जो है वो पुलिकट लेक को सेपरेट करता है, अलग करता है बे ऑफ बंगाल से, और ये वो टाउन है श्री हरिकोटा जो पुलिकट में लोकेटेड है। तो इसलिए जो ये आइलैंड है ये श्री अमराजीवी पोटी श्री रामलू नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं या फिर स्टेट भी पूछ सकते हैं ये कहाँ पर ये लेक लोकेटेड है। नंबर 13, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन एंड इनडाइजेशन वॉज एडवाइज बाय द डॉक्टर टू टेक द प्रोबायोटिक्स, द प्रोबायोटिक्स हेल्प टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पेट दर्द और अपच से पीड़ित एक मरीज को डॉक्टर ने प्रोबायोटिक लेने की सलाह दी है, प्रोबायोटिक किसमें मदद करते हैं? ऑप्शन है आपके ए टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, बी टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन द स्टमक, सी टू प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर हेल्दी डाइजेशन एंड डी टू डिक्रीज द एसिड सिक्रेशन एंड इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सभी आंसर है सी ऑप्शन, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। स्वस्थ पाचन के लिए ये फायदेमंद होते हैं प्रोबायोटिक्स, तो और ये बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स प्रदान करते हैं ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं और ये डाइजेशन में भी मदद करते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नंबर 14, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट, कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ऑप्शन है ए व्हेन अ पर्सन स्नीजेस और कफ ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय सर्फेसिस। ई ऑप्शन इज इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल द ड्रॉपलेट और टचेज दिस सर्फेस एंड फर्दर टचेज हिज फेस आई और माउथ ही और शी कैन गेट एन इन्फेक्शन। सी इज इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सर सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, आप सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। नंबर 15, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन आर ए सिंथिया रोसेना ज्वेगा, बी शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट, सी रतनलाल एंड डी साइमन एंड ग्रूट, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ए ऑप्शन सिंथिया रोजेना ज्वेग। तो इनके बारे में जान लेते हैं, ये नासा के क्लाइमेटोलॉजिस्ट और सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर सिंथिया। इनको 2022 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है और ये फॉर्मर फार्मर थे, ये पहले किसान थे, और इनको जो प्राइज मिला है वो इनके रिसर्च और प्रोजेक्शन ऑन द कि क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल फूड प्रोडक्शन के ऊपर। इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। नंबर 16, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड द नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस इन 2022 इन विच प्लेस? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है ए पटना बिहार, बी लखनऊ केरला, सी भोपाल मध्य प्रदेश, डी त्रिवंतपुरम केरला एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है डी ऑप्शन त्रिवंतपुरम केरला। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया है नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस 2022 त्रिवंतपुरम केरला में, कब किया है? 26 मई 2022 को। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको होस्ट किया था केरला की, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आजादी का अमृत महोत्सव के लिए ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई थी, तो इसलिए कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नंबर 17,
Finclusion is an initiative to collaborate with fintech startup community to co-create and to innovate the solution for the financial inclusion. Was launched by which of the following? Finclusion वित्तीय समावेशन के लिए सह निर्माण और समाधान खोजने के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने की एक पहल है. ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी आरबीआई, सी एसबीआई, डी सेबी एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. क्वेश्चन नंबर 18. द टॉप थ्री कंट्रीज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2021 आर. 2021 में सैन्य व्यय में शीर्ष तीन देश कौन से हैं? ऑप्शंस आर ए यूएसए, चाइना एंड रशिया, बी यूएसए, चाइना एंड इंडिया, सी चाइना, इंडिया एंड फ्रांस एंड डी फ्रांस, रशिया एंड जापान. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है बी ऑप्शन, यूएसए, चाइना एंड इंडिया इज द राइट आंसर. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो टॉप थ्री कंट्रीज या टॉप कंट्री पूछ सकते हैं आपसे. टॉप अगर पूछेंगे तो आंसर रहेगा यूएसए, और थ्री कंट्रीज पूछेंगे तो यूएसए, उसके बाद चाइना, देन इंडिया. नंबर 19. विच मेजर ग्लोबल पावर वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किस प्रमुख वैश्विक शक्ति को निलंबित कर दिया था? ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी चाइना, सी जापान, डी यूक्रेन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसमें आंसर क्या है? रशिया. नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मार्तंड टेम्पल. मार्तंड मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए द मार्तंड टेम्पल आल्सो नोन एज पांडू लाइडान इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा गॉड. बी द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय थर्ड रूलर ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी ललित आदित्य मुक्त पिदा. सी इट वॉज एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ कश्मीरी आर्किटेक्चर विच हैड ब्लेंडेड द गंधारन गुप्ता एंड चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर. डी इट इज नाउ इन रियून एज इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द ऑर्डर ऑफ मुस्लिम रूलर सिकंदर शाह मीरी. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपने आंसर दीजिए. इसमें से आपको नोट करेक्ट बताना है. आंसर है ए ऑप्शन. तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है. ये जो टेम्पल है इसको पांडू लेडान टेम्पल भी बोला जाता है, और एक हिंदू टेम्पल है जो डेडिकेटेड है सन गॉड को. तो ये सन गॉड के लिए टेम्पल है, तो यहाँ पर शिवा गॉड की जगह आ जाएगा सन गॉड. अदर जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है रिगार्डिंग दिस टेम्पल. तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा. जो करंट अफेयर के क्वेश्चन इस तरह के हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज में रहते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं पेपर वन में. अदर जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे हिस्ट्री पॉलिटी के. लेकिन जो करंट अफेयर्स के पेपर है जो आपके सिलेबस से लिंक करते हैं, अदर क्वेश्चन जो है पॉलिटी के आर्टिकल से जैसे, वो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द आर्कटिक रीजन. निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक क्षेत्र में भागीदार नहीं है? ऑप्शंस आर ए कनाडा, बी किंगडम ऑफ डेनमार्क, सी फिनलैंड एंड डी नॉर्वे. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसमें से सारी कंट्रीज जो है वो आर्कटिक रीजन की मेंबर है, पार्टिसिपेंट्स हैं. 8 आर्कटिक स्टेट्स हैं जिसका नाम आपको याद रखना है. सबसे पहले कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएसए. तो ये सभी कंट्रीज जो हैं मिलकर आर्कटिक काउंसिल फॉर्म करती हैं. नंबर 22. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन द कोलोग्नी कैंटोन ऑफ जेनेवा स्विट्जरलैंड. सम मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश बाय WEF आर एक्सेप्ट. तो इसमें से विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड जेनेवा के कोलोन कैंटन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और पैरवी संगठन है. इसमें से आपको कुछ प्रमुख रिपोर्ट है जो WEF प्रस्तुत नहीं करता है वो आपको बतानी है. आपके ऑप्शन है ए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, बी
ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, सी ग्लोबल आईटी रिपोर्ट एंड डी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज नहीं करता है, तो इसको कौन रिलीज करता है आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट येट साइंड द ग्लोबल डिक्लेरेशन टू कीप द इंटरनेट ओपन फ्री एंड न्यूट्रल। निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक इंटरनेट को खुला, मुफ्त और तटस्थ रखने के लिए वैश्विक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया है? ऑप्शंस है आपके ए फ्रांस, बी यूएसए, सी यूके एंड डी इंडिया। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है डी ऑप्शन, इंडिया। तो इंडिया ने साइन नहीं किया है, अमंग द 60 कंट्रीज हैं जिन्होंने ग्लोबल डिक्लेरेशन पर साइन किया है टू कीप द इंटरनेट को ओपन फ्री और न्यूट्रल रखने के लिए। कुछ कंट्रीज ने जिन्होंने साइन किया है इस डिक्लेरेशन को, उसका नाम भी आपको याद रखना है, वो है यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा और फ्रांस। तो इसमें ये इन्होंने साइन किया, और साइन किसने नहीं किया है इस डिक्लेरेशन को, वो है भारत यानी इंडिया। नंबर 24, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2022 के पहले सप्ताह में निम्नलिखित यूरोपियन देशों का दौरा किया है, ए जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, बी यूके, जर्मनी, स्वीडन, सी जर्मनी, फिनलैंड, यूके एंड डी जर्मनी, यूके, इटली। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ए ऑप्शन, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए स्वनिधि से समृद्धि इज एन एडिशनल प्रोग्राम ऑफ स्वनिधि, बी इट वॉज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 4, 2021 इन 125 सिटीज टू मैप द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ पीएम स्वनिधि, सी इट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू एडिशनल 126 सिटीज अक्रॉस 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, डी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ स्वनिधि से समृद्धि। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, स्कीम भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा। स्वनिधि से समृद्धि एक कार्यक्रम है, इसे 4 जनवरी 2021 को 125 शहरों में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों के लिए सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को मैप करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये भी पूछ सकते हैं किस लिए किया है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ बेनिफिशरीज को मैच करने के लिए 125 सिटीज के अंदर। इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 126 सिटीज में अक्रॉस द 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। नंबर 26, द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड द फॉलोइंग फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर द स्टेट्स फॉर 2021 से 26 पीरियड। 15वें वित्तीय आयोग ने 2021 से 26 की अवधि के लिए राज्यों के लिए निम्नलिखित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों की सिफारिश की है। ऑप्शन है आपके, वन इज 4.5% फॉर 2021-22, टू 3.5% फॉर 2022-23, थ्री 3% फॉर 2023-26। सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ए इज ओनली 1, बी ओनली 1 एंड 2, सी ओनली 2 एंड 3 एंड डी 1, 2 एंड 3। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर, अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, 2 एंड 3। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज 4.5% की जगह कितना आ जाएगा 4%। 2021-22 के लिए कितना था फिस्कल टारगेट स्टेट्स के लिए, जो सेंटर ने किया था, फाइनेंस कमीशन ने टारगेट किया था, वो है 4%। 2022-23 के लिए 3.5% है और 2023-26 के लिए 3% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है आप सभी को। 27, काला आजार और ब्लैक फीवर डिजीज इज एंडेमिक टू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। काला आजार या काला बुखार रोग भारत के किन राज्यों में स्थानिक है? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी झारखंड,
सी उत्तर प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये सभी स्टेट्स में एंडेमिक है जो ब्लैक फीवर है। ये अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में भी इसके केसेस पाए गए हैं और अर्लियर जो ये एंडेमिक है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में है। तो ये चारों स्टेट्स में है। 28, which of the following is correct regarding Bihar state individual share of state in the taxes dwelt by the center out of 100 as per the 15th Finance Commission 2021-26। 15वें वित्तीय आयोग 2021-26 के अनुसार केंद्र के द्वारा विकसित करों में बिहार राज्य के राज्यों के व्यक्तिगत हिस्से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए 9.66%, बी 10.06%, सी 10.05% या फिर डी 11.03%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन 10.05%। तो ये भी आपको याद रखना है, जो बिहार स्टेट के लिए शेयर है वो कितना है, 10.056%। नंबर 29, व्हाट आर द अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अनफिट फॉर द हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली। हाल ही में भारतीय संसद के सदन के लिए असंसदीय शब्द क्या हैं? ए डिफेमेटरी, बी कोविड स्प्रेडर, सी चीटेड, डी तानाशाह, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सारे वर्ड जो है ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड अभी रिसेंटली डिक्लेयर किए गए हैं। तो लेटेस्ट जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, अब्यूज, अशेम, चमचागिरी, चीटेड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको बैन कर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर। नंबर 30, द न्यू मेमोरी डिवाइस विद द एक्सीलेंट स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लो पावर रिक्वायरमेंट डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बैंगलोर एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। स्विचिंग विशेषताओं और कम शक्ति आवश्यकताओं के साथ नई मेमोरी डिवाइस ने नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज बैंगलोर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के एक संस्थान के लिए केंद्र विकसित किया। न्यू स्विचिंग जो मेमोरी डिवाइस है ये बताना क्या है। ऑप्शन है आपके ए हाफनियम ऑक्साइड, बी बोरोन, सी ग्रेफाइट रोड्स, डी सिलिकॉन ऑक्साइड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ए ऑप्शन, हैफनियम ऑक्साइड। तो हैफनियम एक एलिमेंट होता है जो गुड ऑब्जर्वर होता है न्यूट्रॉन्स का। तो ये न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर सकता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है जो कंट्रोल रोड्स होती है उसको बनाने के लिए, और साथ में ये न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर भी फाउंड होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पहले जो ये है इसमें मेमोरी डिवाइस में यूज करते थे सिलिकॉन ऑक्साइड का, बट आप इसको रिप्लेस करके हैफनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 31, रिसर्चर्स एट बेंगलुरु जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च हैव डिस्कवर्ड अ न्यू मटेरियल कॉल्ड एज दैट कैन कन्वर्ट इंफ्रारेड लाइट इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी। बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री की खोज की है जो अवरक्त प्रकाश को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। तो वो डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन है ए डबल क्रिस्टलाइन नाइट्राइड, बी सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड, सी सिंगल नॉन क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है बी ऑप्शन, सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम। तो सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम को डिस्कवर किया गया एज अ न्यू मटेरियल। तो जो ये न्यू मटेरियल है ये इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो इंफ्रारेड सोर्सेज अमीटर्स या सेंसर्स होते हैं वो ज्यादा हाई डिमांड में हैं और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक जो हेल्थ केयर, डिफेंस, सिक्योरिटी सब जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये रिसर्च की गई है। तो जो सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बहुत हाई एफिशिएंसी क्षमता होती है कि ये एमिट करता है, छोड़ता है, डिटेक्ट भी करता है, या फिर जो मॉड्यूलेटिंग इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, और साथ में ये यूजफुल होता है सोलर और थर्मल एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए। नंबर
32, which of the following country has the highest area under the organic cultivation? निम्नलिखित में से किस देश में जैविक खेती के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल है? आपके ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चाइना। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया है, इसका कितना है 35.7 मिलियन हेक्टेयर, 35.7 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? अर्जेंटीना। और थर्ड नंबर पे आता है चाइना। नंबर 33, हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर दैट हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोजेल प्रौद्योगिकी हाल ही में कृषि के संदर्भ में समाचारों में देखी गई है, निम्नलिखित में या किसमें मदद करती है? ए स्टोरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट, बी इंक्रीजेस द वॉटर यूज एफिशिएंसी, सी बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजेल पॉलीमर, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी, ये जो टेक्नोलॉजी है सभी के लिए इसके यूजेस हैं, सिग्निफिकेंस है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये फसल के बाद जो कृषि उपज है उसका भंडारण करने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, साथ में जो जल उपयोग की क्षमता को भी बढ़ाती है, ये वाटर यूज एफिशिएंसी को भी बढ़ावा देती है, और ये जो बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है हाइड्रोजेल पॉलीमर की उसमें भी ये मदद करती है। तो इसलिए सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। टेक्नोलॉजी क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं सॉइल मिट्टी के ऊपर, सो दैट ये जो वाटर की यूज एफिशिएंसी है सॉइल के अंदर उसको बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके, और साथ में जो क्रॉप यील्ड हाइड्रोफिलिक नेटवर्क्स होते हैं उसको भी ये बढ़ावा देते हैं, क्रॉप भी इससे अच्छी उपज होती है। तो इसके लिए इसके अंदर जो यूजेस हैं ये ऑब्जर्व कर लेती है, सोक लेती है, रिटेन कर लेती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी। नंबर 34, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द कार्बन लीकेजेस बाय द कंपनी दैट डीकैम्प टू प्लेसेस द चीपर पोल्यूशन कॉस्ट एंड लूजर द क्लाइमेट रेगुलेशन इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिक उन कंपनियों द्वारा कार्बन लीकेज को दूर करने का एक प्रयास है जो सस्ती प्रदूषण लागत और कम जलवायु विनियमन को कम करने के लिए शुरू किया गया है। इसके ऑप्शन है ए यूएसए, बी चाइना, सी यूके, एंड डी यूरोपियन यूनियन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन इसमें आंसर आ जाएगा। यूरोपियन यूनियन में 55 पैकेज हैं। इसको जो ये प्लान है, बॉर्डर प्लान है, इसको ग्रीन डील बाय द यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूज किया गया है, और कब किया गया था? दिसंबर 2020 में इन्होंने एक नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन गोल को सबमिट किया था पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो इसलिए जो एनडीसी है, नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन, उसके जो टारगेट है वो क्या टारगेट है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है कितना? 55%, यानी 55% बिलो द 1990 लेवल। कब तक करना है? 2030 तक। तो इसको मेनली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2025 को अचीव करना है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है। नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड विद द बायो प्रोस्पेक्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायो प्रोस्पेक्टिव से संबंधित है? ए इट इज अ सर्च फॉर द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन नेचर, बी इट इज टू डेवलप कमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर फार्मास्यूटिकल एग्रीकल्चर कॉस्मेटिक, सी इट प्रमोट इनोवेशन लाइक मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट रिसर्च, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट जो है वो बायो प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड है। बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यह प्रकृति में जो जैव रासायनिक और अनुवंशिक जानकारी है उसकी खोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्नोलॉजी को, और साथ साथ इसके अंदर जो कमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है उनको भी फार्मास्यूटिकल एग्रीकल्चर कॉस्मेटिक और अदर प्रोडक्ट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ में ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स की रिसर्च में भी इसको प्रमोट किया जाता है इस इनोवेशन को। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है ये वाइडर एरियाज में इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, आपके एग्जाम में आ सकती है। नंबर 36, विच पॉलिटिशियन बर्थ एनिवर्सरी हैज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार
डिसाइडेड टू सेलिब्रेट ऑन 3rd June एवरी ईयर एज अ स्टेट फंक्शन। बिहार सरकार ने किस राजनेता की जयंती हर साल 3 जून को राज्य समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? ऑप्शन आर ए अरुण जेटली, बी सुषमा स्वराज, सी जॉर्ज फर्नांडिस, डी जगन्नाथ मिश्रा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन, जॉर्ज फर्नांडिस। क्वेश्चन नंबर 37, विच कैंपेन ऑफ बिहार गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बीन गिवन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेटस बाय द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। बिहार सरकार के किस अभियान को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है? ए हर घर नल का जल, बी मानव श्रृंखला 2020, सी चंपारण सैनिटरी सेलिब्रेशन, डी जल जीवन हरियाली मिशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है सी ऑप्शन, चंपारण सैनिटरी सेलिब्रेशन, यानी चंपारण की शताब्दी समारोह को रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेटस दिया गया बाय द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। नंबर 38, विच यूनिवर्सिटी हैज गोट फर्स्ट पोजिशन इन द रैंकिंग लिस्ट ऑफ बिहार इन द एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग। शिक्षा विश्व भारत रैंकिंग में बिहार की रैंकिंग सूची में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन आर ए पटना यूनिवर्सिटी पटना, बी नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर, सी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, डी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया। नंबर 39, ऑनलाइन पोर्टल परिमर्जन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट। ऑप्शन आर ए हेल्थ, बी रूरल डेवलपमेंट, सी रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज सी ऑप्शन, राजस्व और भूमि सुधार, रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स के लिए। नंबर 40, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अ ब्रीडिंग सेंटर विल बी सेट अप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन एनिमल्स। बिहार के किस जिले में स्वदेशी गोजातीय जानवरों के संरक्षण के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ए कटिहार, बी बक्सर, सी नवादा एंड डी नालंदा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, बक्सर। नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहार फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है? ए पटना, बी हाजीपुर, सी सुपौल एंड डी दरभंगा, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है सी ऑप्शन, सुपौल। नंबर 42, कटैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ए सुपौल, बी कटिहार, सी किशनगंज, डी बक्सर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज ए ऑप्शन, सुपौल। सो कटैया हाइड्रो पावर हाउस आपको याद रखना है, ये भीमनगर बैराज साहिबन एरिया ऑफ सुपौल में स्थित है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर वॉज बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस्टेब्लिश। बिहार राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1958, बी 1964, सी 1985 एंड डी 1989, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन, 1958। सो सभी कैंडिडेट अपना स्कोर मेंशन करेंगे आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस सुपर टेस्ट सीरीज, तो साथ में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मेन कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो पा रहे हैं आफ्टर रीडिंग आर बुक एंड स्टडी मटेरियल। अगर जिस भी कैंडिडेट्स ने हमारे बुक और स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ा है
और हमारी वीडियोस को देखा है, थ्योरी सीरीज को देखा है, तो उनको इस एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, वो इजिली इस एग्जाम का कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। तो आप सभी हार्डवर्क कीजिए, हमारे साथ ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 44, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन वॉज एस्टैब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ विच कंट्री? बरौनी थर्मल पावर स्टेशन किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी रशिया एंड डी फ्रांस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में विद सीरियल नंबर। आंसर है सी ऑप्शन, रशिया। सो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार में है और ये किसके एसोसिएशन में आया था? रशिया की। और ये कब आया था ये भी पूछ सकते हैं, 1962 में आया था। नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ई डार्ट पोर्टल? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई डार पोर्टल के बारे में गलत है? ऑप्शन है ई डार, ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बी ई डार पोर्टल प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन रोड एक्सीडेंट। सी दिस पोर्टल हेल्प टू एक्सेलरेट द एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम। डी ई डार पोर्टल ब्रिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स फैमिली। E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए। आंसर है A option. तो इसमें A option सही है। E DAR की full form है E Detail Accident Report और इसको develop कौन करता है? Ministry of Road Transport and Highway. तो इसमें incorrect क्या हो जाएगा? A option. तो Road Research Institute की जगह क्या आ जाएगा? Ministry of Road Transport and Highway. नंबर 46, इंडिया वन थॉमस कप ऑन 15 मई 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? भारत ने 15 मई 2022 को किसको हराकर थॉमस कप जीता है? ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी चाइना, डी डेनमार्क। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, इंडोनेशिया। नंबर 47, विच कंट्री हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी फॉर 2022-24 एट द रिसेंटली हेल्ड मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड जनरल असेंबली एट मनीला फिलीपीन ऑन 7 मई 2022। 7 मई 2022 को मनीला फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की हाल ही में आयोजित बैठक में 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी ने अध्यक्ष के रूप में किस देश को सर्वसम्मति से चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए जापान, बी चाइना, सी रशिया, डी थाईलैंड। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। इसमें कंट्री बतानी है आपको। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। नंबर 48, पंडित शिव कुमार शर्मा डाइड ऑन मई 10, 2022। ही वॉज अ नोटेड हुम? ए संतूर माइस्ट्रो, बी सितार माइस्ट्रो, सी सरंगी माइस्ट्रो एंड डी कथक डांसर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका निधन 10 मई 2022 को हुआ है, वो एक विख्यात थे। आप सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ए ऑप्शन, संतूर माइस्ट्रो। तो ये संतूर वादक थे। तो इनके लिए आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये रेसिपिएंट थे, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? पद्मश्री अवार्ड मिला है 1991 में और पद्म विभूषण मिला था 2001 के अंदर। नंबर 49, इंडियाज रैपिड रेल ट्रेन विल मेक इट्स फर्स्ट जर्नी ऑन विच सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे? भारत की रैपिड रेल ट्रेन भारतीय रेलवे के किस सेक्शन में अपनी पहली यात्रा करेगी? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली टू मेरठ, बी हजरत निजामुद्दीन टू मथुरा, सी दिल्ली टू कुरुक्षेत्रा एंड डी पटना टू बक्सर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, दिल्ली टू मेरठ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है दिल्ली से मेरठ तक। नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग वन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड जीता है? ए आशा वर्कर्स, बी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
डी केयर इंडिया, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है ए ऑप्शन, आशा वर्कर। सो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किससे मिला, आशा कार्यकर्ताओं को। फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 22 फॉर द पेपर 1। होप सो आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, बिकॉज ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं सारे, जो हर किसी एग्जाम में आपको दिखेंगे। जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी, यहां से आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। और पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पेपर 1 के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन क्वेश्चंस के रिवीजन करते रहिए, अटेम्प्ट करते रहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आपका करेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए, सो दैट अगर वो एग्जाम में आता है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। सो रिवीजन इज द बेस्ट वे टू रिमाइंड ऑल थिंग्स इन द माइंड। तो अगर आप रिवीजन करेंगे, बार बार चीजों को समझेंगे, उनको याद करेंगे लॉजिक के साथ, तो आपको चीजें याद रहेंगी। कुछ फैक्ट्स हैं जो थ्योरी सीरीज में हैं, उसके लिए एक अलग से हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको वो सारे फैक्ट्स बताए जाएंगे कैसे आपको याद रखने हैं, सो दैट आपके एग्जाम में वो आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जो फैक्ट से रिलेटेड हो। तो थ्योरी सीरीज के लिए, आप सुपर टेस्ट सीरीज के लिए जो भी हमारी वीडियोज है उसको देखते रहिए, और अगर आपने बुक परचेज की है, बुक को फिनिश करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम डेट जो हम आपको अपडेटेड करंट अफेयर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर सके, फिनिश कर सके ऑन टाइम। तो अदर किसी भी कैंडिडेट को अगर हमारे बुक और स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, और ईमेल आईडी के थ्रू अपनी क्यूरीज पुट कर सकते हैं। स्टेप जो है, जिन भी कैंडिडेट्स को बुक और स्टडी मटेरियल चाहिए, उनको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसके बाद आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कीजिए और ईमेल आईडी पर ईमेल कीजिए रिगार्डिंग दिस बुक मटेरियल प्रोसेस, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स को अदर एग्जाम से रिलेटेड भी क्यूरीज आ रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर का मेंस अभी पोस्टपोन हो गया, इसलिए हमने अभी स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया है, और सीजीएल के लिए और 67 बीपीएससी जो अगस्त में होने वाला है, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी बुकलेट्स रिलीज करेंगे, बुक रिलीज करेंगे, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुपर टेस्ट सीरीज और मटेरियल होगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स को उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि क्यूरीज आ रही है, तो लगातार वो चैनल को फॉलो करते रहिए। हम उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पर, जो एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से है, और हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर हम उसको पोस्ट करेंगे, तो आप चेक करते रहिए रेगुलरली। सो कीप वॉचिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। मिलते हैं न्यू वीडियोज के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।